नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपनी BMW की सनरूफ को कैसे साफ कर सकते हो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आई एम श्योर कि हम सब गाड़ी धोते हैं, अंदर से साफ करते हैं, बाहर से साफ करते हैं, बट मोस्टली लोग सनरूफ को खोलकर यहां से अंदर साफ नहीं करते, एंड इससे आगे जाकर सनरूफ में दिक्कतें आ सकती हैं। सनरूफ को अगर आप रेगुलरली यूज करते हो तो बात अलग है। मैं पर्सनली सनरूफ को कभी यूज नहीं करता। साल में एक बार हमको सनरूफ को खोलकर साफ करना चाहिए। तो अगर आप मेरी गाड़ी के सनरूफ को देखोगे तो यहाँ पर सारे के बहुत ही ज्यादा मिट्टी बिल्कुल जमी हुई है, अंदर बाहर। इवन की जो रबर की सील है चारों साइड पर, उस पे भी मिट्टी जम गई है। और सनरूफ के अंदर चार जगह से पानी नीचे जाता है। अगर पानी यहाँ पर इकट्ठा भी होता है गाड़ी धोते टाइम या वैसे, तो इसके चारों साइड पर ड्रेन है जो कि मिट्टी से भर जाते हैं। उसके बाद ये पानी गाड़ी के अंदर आ सकता है, क्योंकि ये सारे ड्रेन गाड़ी के अंदर पिलर से होके नीचे गिरते हैं चारों साइड पर। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये ड्रेन प्लग भी खोलना सिखाऊंगा, क्योंकि एक मेरी गाड़ी का ड्रेन प्लग बंद था। तो स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ चीजें चाहिए होंगी। आपको एक अच्छा वैक्यूम क्लीनर चाहिए और तीन चार टाइप की डिफरेंट ब्रश चाहिए, ताकि आप हर एंगल से उसको साफ कर सको। और हम कार शैम्पू को एक बॉटल में डालेंगे और पानी के साथ उसको मिक्स करेंगे, ताकि हम अपना स्प्रे का सॉल्यूशन बना सके। और एक अलग स्प्रे की बॉटल में सिंपल पानी रख सकते हैं। तो सबसे पहले जो लूज डर्ट है जो कि जमी नहीं हुई, उसको हमको निकालना है। तो ब्रश से आप उसको एजिटेट करो और साइड बाय साइड अगर आप वैक्यूम की नोजल रखोगे तो सारी मिट्टी सीधा वैक्यूम क्लीनर में चली जाएगी। और उसके बाद जितनी भी जगह आपको दिख रही है सनरूफ के अंदर, उस सब पर हम ऐसे ही लूज डर्ट या फिर लूज मिट्टी को ऐसे ही निकालेंगे। और उसके बाद हम जो अपना स्प्रे बॉटल में हमने सॉल्यूशन बनाया था, उसको हम इस डिटेलिंग ब्रश पर डालेंगे और सनरूफ के चैनल या रेल्स को साफ करेंगे। और जो आपकी गाड़ी में विंड रिफ्लेक्टर होगा वो प्लास्टिक का हो सकता है या फिर वो कपड़े का हो सकता है। इसको पकड़ोगे तो ये नीचे हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से नीचे की रबर सील साफ कर सकते हो और इसके अंदर का एरिया भी साफ कर सकते हो। तो जो ड्रेन मैं आपको बता रहा था वो दोनों साइड पर है, तो राइट वाले साइड में बहुत ज्यादा मिट्टी भरी हुई है। तो आप या तो कोई लंबी वायर ले सकते हो, मतलब मेटल की कोई वायर हो, या फिर मैंने अभी सिंपली एक स्ट्रॉ से इसको अनप्लग किया है, क्योंकि ऊपर ऊपर ही मिट्टी थी इसके। और जो अभी मिट्टी निकाली हमने ड्रेन से, को हम वैक्यूम क्लीनर से साफ कर सकते हैं। तो चलो मैं सनरूफ के जितने भी पार्ट हैं उन सब को साफ करता हूं।
तो सारा सनरूफ साफ करने के बाद ही बस साइड की रबर सील बच गई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये गंदी होगी या फिर ढंग से कॉन्टैक्ट नहीं बनाएगी तो यहाँ से पानी लीक हो सकता है गाड़ी के अंदर। तो यहाँ पर भी मैं डिटेलिंग ब्रश से इसको एजिटेट करके इसको साफ करूंगा। और अगर आपकी रबर सील भी इतनी ही गंदी थी तो इसको कम से कम भी 2-4 बार ट्राई करो। मैंने कम से कम भी 6 बार इसको ब्रश से बार बार एजिटेट करके साफ किया है, बट एट द एंड जो मिट्टी जमी हुई थी इस पर वो साफ हो गई है। तो अगर आपको 4-5 बार 6 बार भी अगर ये रबर की सील साफ करनी पड़े तो इसको करते रहना जब तक कि आपका कपड़ा साफ नहीं निकलता। कहने का मतलब है कि ये वाली रबर की सील बहुत गंदी होती है, और अगर ये ऐसे ही रही तो आगे जाके एक क्रैक हो सकती है। अगर हम इसको अभी साफ कर देंगे तो आगे हमको इसको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एज कि यही एक वाटर टाइट सील बनाती है सनरूफ और गाड़ी के बीच में। और ऐसा ही सनरूफ के ग्लास के आगे भी एक रबर की सील होती है, इसको भी हम ऐसे ही साफ करेंगे। तो चलो बिफोर एंड आफ्टर देखते हैं। पहले ही सनरूफ की हालत ऐसी थी, इतनी मिट्टी जमी हुई थी, अगर आप कपड़े से उसको साफ करने की कोशिश करते हो तो वो साफ भी नहीं हो रहा था। और अब चेक करते हैं डिफरेंस, जो कि हमने आज 2-3 घंटे मैंने इसके ऊपर लगाया, आप लोगों को 2-3 मिनट में ये सब दिख गया होगा, बट एट द एंड आई एम श्योर कि जो अब रबर की सील और जो हमने अंदर से सनरूफ साफ करी है इसमें आगे दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि ड्रेन प्लग भी बंद था और इतनी मिट्टी जमी हुई थी तो इसको साफ तो करना ही करना था। मैं इसको कभी नहीं खोलता तो यहां पर मैंने कभी ध्यान दिया नहीं था। तो आई होप ये वीडियो से आप कुछ सीख पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है ना, ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। आप लोग ध्यान रखो अपना और अपनी गाड़ियों का, और मिलते हैं अगली वीडियो में।